करण सिंह मैजिक या जिन्हें हम करण सिंह बूमर के नाम से भी आजकल जानते हैं, इनकी ये मैजिकल जर्नी को जानना काफी इंटरेस्टिंग जरूर है। करण भाई की मैजिकल स्टोरी उनके स्कूल डेज से ही शुरू होती है। 12 साल की एज में करण भाई के पेरेंट्स ने उनको एक समर कैंप में भेजा था, जहां से उनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी की शुरुआत हुई थी। इस समर कैंप में करण भाई इंडिया के एक बहुत ही पुराने और वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीट मैजिशियंस अशाबुद्दीन खान से मिले थे, जिन्होंने करण भाई को वहां पे 3 मैजिक ट्रिक सिखाई। करण भाई बताते हैं कि वो 3 ट्रिक सीखने के बाद उनकी पूरी लाइफ जैसे पलट गई थी, वो मैजिक में पूरी तरह खो गए थे। सुबह उठते ही रात को सोने से पहले वो उसी मैजिक ट्रिक्स के बारे में सोचते रहते थे। यहीं से करण भाई को और मैजिक सीखने का क्रेज आया। वो बताते हैं कि वो दिन में 14-15 घंटे मैजिक सीखने में और प्रैक्टिस करने में लगा देते थे, और ये सब वो सिर्फ मिरर के सामने ही परफॉर्म करते थे। करण भाई के दोनों पेरेंट्स ऑफिस जाते थे, और जब वो 10th में थे तो उनके बड़े भाई ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो समर वेकेशंस के टाइम घर में अकेले पड़ जाते थे। तो उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया था कि वो करण भाई की नानी को घर पे बुला लिया करेंगे उनका ध्यान रखने के लिए। करण भाई बताते हैं कि उनकी नानी को जबरदस्ती उनकी ऑडियंस बनना पड़ता था। वो दिन में 60 ट्रिक्स हर रोज अपनी नानी को करके दिखाते थे। वो बताते हैं कि कुछ ट्रिक्स तो इतने सिली होते थे, मगर फिर भी उनकी नानी उसको पेशेंटली देखती थी, और कभी कभी तो कुछ ट्रिक्स को तो वो पकड़ भी लेती थी। मगर उनकी नानी को कोई आइडिया नहीं था कि वो ऐसा क्यों करते थे, और ना ही करण भाई को उस टाइम पे भी कोई आइडिया था। मगर फिर भी उनकी नानी हमेशा एक स्माइल के साथ उनके उस इनोसेंट ट्रिक्स को एंजॉय करती थी। ऐसे करण भाई ने अपने स्कूल में भी अपने फ्रेंड्स के बीच में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। करण भाई का सबसे बड़ा परफॉर्मेंस उनके कॉलेज फ्रेशर्स में हुआ था, जहां उनका पूरा कॉलेज 800-900 स्टूडेंट्स उनको देख रहे थे। मगर अनफॉर्चुनेटली उस दिन उनकी माइंड रीडिंग ट्रिक वैसी नहीं गई जैसे उन्होंने प्लान किया था। वो बताते कि उन्होंने एक स्टूडेंट के पिक किया हुआ कार्ड 2 बार गैस करने को ट्राई किया, और दोनों बार उन्होंने गलत कार्ड बता दिया था, जिससे कि पूरी ऑडियंस ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। दो बार बैक टू बैक में गलत हुआ और पूरी ऑडियंस ने लिटरली बू करना शुरू कर दिया। वो 800-900 लोगों की जो ऑडियंस थी उन्होंने बू करना शुरू करा, वो आवाज़ मेरे दिमाग में रोज रात को सोने से पहले बू चलता था। मगर इस इंसिडेंट ने करण भाई को अफेक्ट नहीं किया, बल्कि उनको और जुनून मिला प्रैक्टिस और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी परफॉर्मर हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट बूड एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, मेक्स यू अ बेटर परफॉर्मर। आगे जाके 2011-12 में जब उन्हें शोज नहीं मिलते थे तो वो छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टीज में जाके परफॉर्म करते थे। वो बताते हैं कि घर से वो सूट पहन के निकलते थे ताकि मम्मी पापा को लगे कि अच्छे शोज मिल रहे हैं, बट वहां जाके उन्हें फंकी ड्रेस पहनने पड़ते थे। ऐसे ही करते करते उन्हें अच्छे शोज में मिलने शुरू हो गए थे। 2012 का एक इंसिडेंट वो बताते हैं, जिसमें उन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ एक शो किया था, जिसके इवेंट मैनेजर ने दोनों को धोखा दे दिया था और दोनों को कभी भी अपनी पेमेंट नहीं मिली, जिससे दोनों को लोगों पे ट्रस्ट करने के ऊपर काफी सीख मिली थी। आगे जाके करण भाई को बहुत सारे अच्छे शोज मिलना शुरू हो गए थे, और जैसा आप भी जानते हैं उन्हें बहुत सारे सेलिब्रिटीज के घर जाके परफॉर्म करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई थी। आज अपने माइंड रीडिंग टैलेंट से वो हजारों लोगों को शॉक कर चुके हैं। मगर इसके बाद वो बताते हैं कि ये माइंड रीडिंग कभी कभी कुछ मुश्किल भी खड़ी कर देती है। करण भाई बताते हैं कि एक बार एक क्यूरियस लड़की उनके पास आई और उसने बोला कि करण भाई उसका माइंड रीड करके उसके बारे में कुछ बताएं। तो करण भाई ने उसको बताया कि उन्हें पता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड पर चीट किया है, और उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप इस तरह किया जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड की गलती थी, और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपनी गिल्ट को छुपा सके। 3 महीने के बाद उस लड़की ने करण भाई को कॉल करके कहा कि वो अपने रूम से 3 महीने से नहीं निकली है, क्योंकि करण भाई ने जो उससे कहा था वो उसे मेंटली बहुत अफेक्ट हुई है। करण भाई अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं बहुत इजीली बता सकता हूं कि कौन कब चीट कर रहा है या झूठ बोल रहा है, मगर मैं उनको नहीं बताता हूं कि ये मुझे पता है। तो दोस्तों, आपको ये माइंड ब्लोइंग मैजिशियन और मेंटलिस्ट की स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज लाइक और शेयर करना इस वीडियो को, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप और भी ऐसी वीडियोस देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।